नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के पाए जाने के कारण शासन के निर्देशानुसार जनपद बुलंदशहर के 3 हॉटस्पॉट सील किए गए। आज तीनों हॉटस्पॉट्स का अधिकारियों ने दौरा किया। कमिश्नर मेरठ, आईजी जॉन मेरठ और डीएम बुलंदशहर, एसएसपी बुलंदशहर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हॉटस्पॉट सील करने के संबंध में शासन के आदेश निर्देश का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि हॉटस्पॉट मोहल्ले में गांवों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराने हेतु लॉकडाउन का 100% अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त महोदया ने आपदा कंट्रोल रूम का आईजी के साथ उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के बाद आईजी ने क्या कहा, सुनिए हमारी इस स्पेशल वीडियो में। 3 इलाकों को जो है हॉटस्पॉट क्या है, तो किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएँ हैं, आपका खुद निरीक्षण क्या है? देखिए, ये तीनों क्षेत्र जो है हमारे एपी सेंटर पर बेस्ड थे, जहाँ पर हमने उनको पूरी तरीके से उनकी घेराबंदी की है और हर तरह से इसको 100% लॉकडाउन के जो निर्देश का पालन किया है। किसी को अब निकलना नहीं है, बल्कि इसके घर पर सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की एक संस्थागत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों से कम्युनिकेशन है, लोगों का एक बेहतर सहयोग मिल रहा है। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम और नगर पालिका की जो अथॉरिटीज हैं, सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं और हर प्रकार से हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होने के साथ साथ 100% लॉकडाउन की स्थितियों का पालन करा सकते हैं। जहाँ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, वहाँ जो व्यवस्था है, देखिए, जहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है वहाँ पर उनको जो एसओपी है मिलते उसका पूरी तरह वहाँ पालन किया जा रहा है। उनसे मिलने जुलने वालों लोगों पर पूरी तरह से रोक है। जो भी हमारे चिकित्सकों की टीम है, उनको पूरी तरीके से उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है और ये कहीं इससे भाग ना सकें, उसके लिए जो टेक्निकल सॉल्यूशंस भी हैं वो भी हमने इस पर विचार किया हुआ है। जैसे आपने एक अभिनव प्रयोग जहाँ पर देखा जो बच्चे हैं, वैसे ही टेक्निकल सॉल्यूशंस के बेसिस पर RFID के माध्यम से भी हम लोग उसको प्रयोग में लाएंगे और बहुत जल्दी इसको सुनिश्चित करेंगे कि हम एक पूर्ण रूप तरीके से उनको रख सकें और जिससे कि पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ ना हो। ग्राम की जो स्थिति है वो यहाँ पर बहुत संतोषजनक स्थिति है, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और आपके माध्यम से ये अपील है कि सभी लोग भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का, गाइडलाइंस का पालन करें और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी लोग देखें। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।